हरे कृष्णा। तो आज हम सीखेंगे फास्ट बीट करताल में। सबसे पहले अपने माइंड में बिठा लीजिए, फास्ट बीट को स्लो प्रैक्टिस करना है। जो दो मंत्रा हमने सबसे पहले सीखे थे, प्रैक्टिस स्लोली एंड चैंट द मंत्रा, ठीक है। देखिए, मैं जानता हूँ कि ये जो प्रैक्टिसेस करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब डेवलप होगा तो हो सकता है थोड़ा सा बोर फील हो, थोड़ा सा प्लीजिंग ना लगे, लेकिन याद रखिए सिर्फ वन टाइम आपको सीखना है, सिर्फ वन टाइम। फॉर एग्जांपल, मैंने साइकिल चलाना सीखा था फोर्थ स्टैंडर्ड में, ठीक है। उसके बाद टेम्पल में आने के बाद 5 ईयर्स से मैंने साइकिल को हाथ नहीं लगाया। लेकिन अगर अभी भी साइकिल बाहर पड़ी हो और मुझे बोले कि साइकिल लेके चले जाओ, तो हम चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बैलेंसिंग था वो आपके हैंड्स लेग्स की बैलेंसिंग और माइंड का कोऑर्डिनेशन, वो एक बार सेट हो गया और आपके माइंड में वो परमानेंट रजिस्टर हो जाता है। कुकिंग हम कितनी बार सीखते हैं? एक बार। स्विमिंग, एक बार आपको स्विमिंग आती है, उसके बाद आपको कभी भी पानी में फेंक दो, आप ऑटोमेटिकली स्विम कर लोगे। तो ये जो लर्निंग एस्पेक्ट है ये वन टाइम है, और उसके बाद पूरी लाइफ आप कहीं पे भी टेंपल में जाएं, कहीं घर पे जाएं, ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे भी कीर्तन हो रहा है, आप इमीडिएटली कीर्तन में ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने आता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिस से बोर मत होइए, पेशेंस रखिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही सीखना है, ओनली वन टाइम लर्निंग एंड होल लाइफ इंजॉइंग द ब्यूटिफुल कीर्तन्स ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। तो पेशेंस के साथ आपको सीखना है, और स्टार्टिंग के ये जो सेशंस हैं स्पेशली ये आपका ग्राउंड्स प्रिपेयर करेंगे हायर लेवल में करताल सीखने के लिए, समझ रहे हैं। तो करताल को लाइटली मत लीजिए, एकदम क्वालिटी के साथ, एकदम मेलोडियस साउंड के साथ आपको सीखना है। जब आप करताल को हिट कर रहे हैं तो आप खुद फीडबैक लीजिए, आप खुद सुनिए कैसी करताल बज रही है। ज़रूरत है तो आप मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डर ऑन कर दीजिए, उसके बाद करताल बजाइए एकदम स्टैंडर्ड प्रॉपर स्लोली। नहीं तो क्या होता है, छन 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 और नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लॉर्ड को हमको अपने कीर्तन सेवा से प्लीज करना है, इरिटेट नहीं करना है। यही साउंड अगर आप ढंग से नहीं बजाएंगे तो इरिटेशन हो जाएगी, तो हमको इरिटेशन नहीं करना है, लॉर्ड को प्लीज करना है। इसलिए वन टाइम सीखना है, एकदम प्रोफेशनल वे में, एकदम स्टैंडर्ड वे में, एकदम अच्छे से सीखिए पेशेंस के साथ, क्योंकि वन टाइम ही लर्निंग है एंड होल लाइफ इंजॉइंग द कीर्तन्स इन ट्राइंग टू प्लीज द लॉर्ड। ओके, तो फास्ट बीट करताल को होल्ड किया, उसके बाद हमने करताल को चेक किया, सही है, पकड़ लिया, सेम। अभी फास्ट बीट में करताल को कैसे होल्ड करना है? फास्ट बीट में ये फिंगर्स का रोल खत्म हो जाता है। अभी देखिए, करताल में जो अंदर में थ्रेड है, अंदर की जो लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है, आपकी सारी फिंगर्स ये लाइनिंग में चली जाएगी, बाहर कुछ भी नहीं रहेगा, समझ रहे हैं आप। सारी फिंगर्स अंदर, इस लाइनिंग के अंदर चली जाएगी फास्ट बीट के लिए। ये जो मिडिल लाइनिंग है अप्रॉक्सीमेटली इसके अंदर। अभी देखिए फास्ट बीट में कैसे होल्ड करेंगे, इस तरीके से देख रहे हैं, अंदर चले गए सारी फिंगर्स। शुरुआत में दिक्कत होगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रॉपरली प्रैक्टिस, ठीक है। 45 डिग्री एक्टिव हैंड मेरे लिए लेफ्ट है, आप में से बहुतों के लिए राइट होगा, या लेफ्ट है तो अच्छी बात है, जो भी है 45 डिग्रीज। ओके, अभी स्लो बीट के जो हमने दो रूल सीखे थे सेम 1 2 3 फैशन में चलेगा ये भी। स्लो बीट में 1 और जो 2 था वो क्या था, लेस साउंड मिनिमम वाइब्रेशन, और 3 जो था मैक्सिमम साउंड मैक्सिमम वाइब्रेशन। 1 2 3 1 2 3। इस फास्ट बीट में दोनों रूल्स रिवर्स हो जाएंगे, यानी 1 और 2 हाई साउंड मैक्सिमम वाइब्रेशन और 3 डिमिनिश्ड साउंड लीस्ट वाइब्रेशन,
समझ गए, दोनों रूल्स उल्टे हो गए हैं। अब देखिए बजाना कैसे है। शुरुआत में प्रैक्टिस के लिए मैं थोड़ा एग्जैगरेट करके बताऊंगा स्लोली, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका जो हैंड्स के बीच में डिस्टेंस है ये कम होता रहना चाहिए। अब देखिए फास्ट बीट 1 2 3, ध्यान से देखिए, ये 45 डिग्रीज पे एंगल, एक्टिव हैंड नॉन एक्टिव हैंड, एक्टिव हैंड ऊपर से नीचे मूव होगा, इसको 50% से नीचे हिट करता हुआ नीचे जाएगा, देखिए 1। अब ये जब नीचे चला गया उसके बाद आपका जो 45 डिग्री का एंगल था वो रिवर्स हो जाएगा इस तरीके से, और फिर से एक्टिव हैंड ऊपर आएगा 2 हिट करने के लिए। अब ये इस टाइम पे 50% से नीचे इधर था, अभी 50% से ऊपर में हिट करना है, तो 2। समझे आप, वापस से दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए 1 2। और रूल्स, मैक्सिमम साउंड मैक्सिमम वाइब्रेशन, 1 2। देखिए मेरे हैंड्स कैसे अपने एंगल्स चेंज कर रहे हैं, एक्टिव हैंड मूव हो रहा है और नॉन एक्टिव हैंड खाली एंगल चेंज कर रहा है, उसी जगह पर है, 1 2 1 2 1 2 1 2। फिंगर्स का कोई रोल नहीं है, फिंगर्स सब अंदर हैं बिल्कुल, देख रहे हैं आप एंगल्स चेंज हो रहे हैं। इसमें भी मारते वक्त आपको कोशिश करनी है मैक्सिमम वाइब्रेशन कैसा है, मतलब हाथों को कभी भी स्टिफ नहीं करना है। कोई भी म्यूजिक सीखते टाइम ये चीज़ समझ लीजिए, सबसे पहले आपको रिलैक्स फील होना चाहिए, आपको वो इंजॉइंग लगना चाहिए, आपको वो फन एक्टिविटी लगनी चाहिए, आपको मज़ा आना चाहिए, तब वो फीलिंग्स वो वाइब्रेशंस ट्रांसमिट होंगे। जब कीर्तन में आप पूरी एक्सटेसी के साथ लॉर्ड को सरेंडरिंग मूड में, लॉर्ड को सेवा करने के मूड में आप कीर्तन करते हैं ना, तो वो वाइब्रेशंस जो हमारे सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनमें वो ट्रांसमिट होते हैं ऑटोमेटिकली। इसलिए रिलैक्स होके इंजॉय करने के मूड में 1 2 1 2, ठीक है। तो इस फास्ट बीट में आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है ये 1 2 1 2, स्लोली याद रखते हुए मैक्सिमम वाइब्रेशन मैक्सिमम साउंड और एंगल्स चेंज करते हुए, ठीक है। अभी 3 जो हमारे रूल्स उलट गए थे स्लो बीट के कंपैरिजन में, 3 में क्या होने वाला है, लेसर साउंड लेसर वाइब्रेशंस, 3 बजेगा इस तरीके से। स्लो बीट में हम साउंड रोक रहे थे फिंगर्स के साथ, अब इसमें फिंगर्स का रोल चला गया फास्ट बीट में, फिंगर्स अंदर, तो दोनों करताल इस तरीके से हिट होगी। और जो साइकिल था वो 1 2 3 का वो सेम रहेगा, यानी कि 3 के बाद गैप और फिर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बीट है इसको मिस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि करताल, मृदंगा, हारमोनियम, लीड सिंगर, कोरस सिंगर्स और कोई एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स है तो वो सब कुछ बीट को फॉलो करेंगे, तो एक सारे, कभी आप करताल अकेले बजा रहे होंगे हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपके साथ कोई मृदंगा बजा रहा होगा, आपके साथ कोई गा रहा होगा, आपके साथ कोई हारमोनियम बजा रहा होगा, तो सब लोग के बीच में कॉमन क्या है, हारमोनियम अलग बजता है, मृदंगा अलग बजता है, गाते अलग है, करताल अलग बजती है, सबके बीच में कॉमन क्या है, सबका कॉमन फाउंडेशन है बीट, वो बीट को आपको फॉलो करना है, इसलिए ये बीट मिस नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये बीट मिस नहीं होनी चाहिए। अगर 1 और 2 के बीच में गैप बढ़ा दिया आपने, 1 2 3, या 2 और 3 के बीच में बढ़ा दिया, 1 2 3 1 2 3, ऐसे कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। 1 और 2 2 और 3, ये गैप एक जैसे हैं, और 3 और जो साइकिल 1 आ रहा है उसमें लंबा गैप है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो 1 और 2 अलग से प्रैक्टिस करना है फास्ट बीट में, 3 अलग से प्रैक्टिस करना है, लेस साउंड लेस वाइब्रेशन। और जब आप कॉन्फिडेंट हैं तो हम फास्ट बीट को प्रॉपरली सीखेंगे। अभी मैं 2 मिनट के लिए स्लोली स्लोली प्रैक्टिस करके बताऊं। 1 2
थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। ध्यान से देखिए हाथ कैसे जा रहा है, एंगल। वन टू थ्री, बिल्कुल भी स्पीड नहीं बढ़ानी है किसी भी कंडीशन में। कुछ आवर्स आपको ऐसे ही, अब वो आवर्स पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे इसलिए मैं स्पेसिफिक टाइम नहीं दे रहा हूँ, मगर कुछ घंटों तक आपको सिर्फ स्लोली ऐसे प्रैक्टिस करना है। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए और प्रैक्टिस कीजिए। वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। देखिए हाथ ऐसे ऐसे बेंड होना है, ऐसे ऐसे बेंड होना है, ये आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, डेवलप होगी पीरियड ऑफ टाइम। थ्री, वन टू 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 थ्री। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। मैंने बोला ना, वन टाइम, ओनली वन टाइम, सिर्फ कुछ घंटों की बात है। जनरली डिवोटीज एक वीक से एक मंथ के टाइम में सीख जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच टाइम दे स्पेंड एवरी डे and how much blessings of the Lord they are getting. ठीक है, इस तरीके से आपको फास्ट बीट को स्लोली प्रैक्टिस करना है। हरे कृष्ण।